नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैप विद तनवीर में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने सिस्टम से टेम्परेरी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, जब भी हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, तो अनावश्यक या जब भी हम लोग फाइल को डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ टेम्परेरी फाइल आ जाती है हमारे सिस्टम में। आइए जानते हैं कि टेम्परेरी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं जिससे कि हमारा सिस्टम अच्छा चले। इसके लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों, मैंने जिस तरह की वीडियो के इंट्रो में बताया कि हम अपने सिस्टम से टेम्परेरी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, मैंने ये भी बताया कि टेम्परेरी फाइल हम जब इंटरनेट पर सर्फ करते हैं, जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कुछ टेम्परेरी फाइल भी डाउनलोड हो जाती है। तो वह टेम्प नाम का एक फोल्डर होता है जो कि वहीं पर जाके चला जाता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अपने कंप्यूटर में जाइए और लोकल डिस्क सी में जाने के बाद आप अपने विंडोज में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप टेम्प फाइल को ढूंढेंगे तो आपको टेम्प फोल्डर तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रन पे जाएं। मैंने ये बताया कि आप अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को, मतलब ये कि आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मतलब टेम्परेरी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप रन पर जाएं और रन पर जाने के बाद आप टाइप करें टेम्प। इसके अलावा आप लिखें टेम्प और इंटर प्रेस कर दें। अब आप देख रहे होंगे ढेर सारी टेम्परेरी फाइल यहाँ आ गई। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे और डिलीट दबा देंगे और इंटर। ये हमारा चला गया रिसाइकल बिन में। कुछ टेम्परेरी फाइल होती है जो डिलीट नहीं होती है, तो हम इसको अभी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि दो फाइलें डिलीट नहीं होती हैं। अब हमारी चली गई रिसाइकल बिन में, इसको हम कर देते हैं रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं।